अल्लाह फरमा रहे हैं कि अगर तुम लोग मेरी याद से मुंह मोड़ोगे, अगर तुम लोग मुझे भूल जाओगे ना, तो मैं तुम्हारी जिंदगियों को तंग कर दूंगा। सब कुछ के होते हुए सुकून को तरसोगे। अगर गुनाहों में आगे निकल गए ना, अल्लाह तुम्हें भुलाए और तुम अल्लाह की तरफ ना आओ, अल्लाह फिर तुम्हें बुलाए, फिर तुम ना आओ, फिर बुलाए, फिर ना आओ, बार बार इग्नोर करो, बार बार इग्नोर करो अल्लाह को, रोजाना इग्नोर करो अल्लाह को। अल्लाह की तरफ से रोजाना तुम्हारे दिल में तौबा के जज्बे पैदा हो, रोजाना खुद को बदलने की सोच पैदा हो, लेकिन किसी वजह से, किसी हराम काम में मुलव्विस होने की वजह से तुम अल्लाह की तरफ नहीं जा रहे, वो मौके बार बार गवा रहे हो, तो एट दी एंड तुम्हारे साथ क्या होगा? तुम्हें तुम्हारे गुनाहों के हवाले कर दिया जाएगा। फिर वो गुनाह कितना करोगे तुम? अगर तुम्हारा गुनाह जिना है तो कितनी दफा कर लोगे जिना? अगर तुम्हारा गुनाह झूठ बोलना है तो कितना बोलोगे झूठ और उस झूठ से कितनी दुनिया बनाओगे? अगर तुम्हारा गुनाह नमाज का छोड़ देना है तो तुम्हारे नमाज छोड़ने से किसका नुकसान हो रहा है? किसी का भी नहीं। अगर तुम्हारा गुनाह हराम रिलेशनशिप है तो एक दूसरे के मैसेजेस से कितना हंस लोगे? एक दूसरे से चोरों की तरह कितनी दफा मिल लोगे? अगर तुम्हारा गुनाह बद अखलाकी है तो कितने लोगों के सर तोड़ लोगे? ज्यादा से ज्यादा कितनी जिंदगियां बर्बाद कर लोगे? 10, 20, 100? दुनिया में तो इंसानों की तादाद अरबों में, कुछ नहीं कर सकते भाई। इन गुनाहों से तुम कोई बदलाव नहीं ला सकते, कोई चेंज नहीं ला सकते, सिवाय इसके कि अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दो।